नई प्रेमिका छोड़ गई जब तब दुख का आभास हुआ। चार चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैंने भी कोशिश की है। अच्छा, आप केस कर सकती हैं, आप वकील हैं, लेकिन भाई मत बोलिए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, और आप जानते हैं जब मैं आ गया हूं तो बस हंसी आ गई है, ठाके आ गए, मुस्कुराहट आ गई, और कुछ ऐसी खुशी आ गई है जो अन्यथा आपको ढूंढे नहीं मिलेंगी। यहाँ मिल जाएगी, यहाँ कविताएं हैं, यहाँ गजलें हैं, यहाँ नज़में हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देश की बात है, संस्कृति की बात है, और हमारे संस्कारों की बात है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दुनिया के सबसे सुखी लोग हैं, जिनसे मैं आज आपसे मिलवाऊंगा, जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन लोग होते खुद ही अपने सुख पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्या किया जाए। अच्छे भले जिंदगी भर सुखी रह सकते हैं, पता नहीं ये शादी नाम का कीड़ा क्यों लग जाता है उन्हें, और करते हैं, और फिर करते हैं तो कैसा हाल होता है। एक शादीशुदा जोड़े गए, एक पिता ने अपने बेटे से कहा रिमोट कहाँ है, इधर गए, तो बेटा घूर के माँ की तरफ देखने लगा। बाप ने कहा मेरा नहीं, टीवी का मांग रहा हूं। लेकिन ये स्थितियां पैदा ही क्यों होती है ना, इसलिए पैदा होती है क्योंकि पहले ये लोग थोड़े से इश्क में पागल हुए होते हैं। एक लड़का मैंने देखा खाली कागज यूं चूम रहा, यूं चूम रहा, यूं चूम रहा। मैंने कहा क्या कर रहा है, उसका लव लेटर है। मैंने कहा खाली कागज, बड़ा एक अक्षर नहीं लिखा हुआ, आजकल हमारी बोलचाल बंद है ना। कहां लोग हैं यार। लेकिन ये जो पुरानी पीढ़ी ना, समझ जाती है कि आप क्या कर रहे हैं। एक बाप अपने बेटे को रिमझिम रिमझिम बारिश के दौर में घर बोला, जब आया घर में तो बेटा बहुत दिनों से मेरा तरह ये सिर्फ एक कंधा भीगा हुआ देखा नहीं जाता, एक कंधा सूखा हुआ है, एक कंधा भीगा हुआ है, या तो बड़ा छाता ले ले या उसको भी घर ले आ, साथ बैठ के चाय पियेंगे, जिसके साथ तू बारिश में हो। क्योंकि शादी होने के बाद तो ऐसी स्थिति होनी है, जैसे घर में बर्तन बड़े चमक रहे थे तो पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन पे हाय राम इतने तुम्हारे बहुत अच्छे बर्तन चमक रहे हैं, धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो। पति जिस घर में पति हो, मां किसी और चीज के इस्तेमाल की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन लोग है कि मानते नहीं है ना साहब, क्या किया जाए। और शादी करनी होती, फिर जवाब ऐसे देते, एक लड़का गया लड़की का हाथ मांगने के लिए, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था, तो बाप ने पूछा क्या करते हो, ठीक है करते तो क्या है, प्यार करते हैं अभी तो नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जिंदगी भर किसी गैर जिम्मेदार इंसान के साथ रहे। बोले इसीलिए आपके घर से लेने आया। पर ये हिम्मत सब में तो होती नहीं, कुछ लोग जो हैं वो हिम्मत कर नहीं पाते हैं। लेकिन वो बड़े हिम्मती होते हैं जो आखिरकार शादी करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड है, हमारे साथ हमारे तीन लोग हैं, और तीनों दुनिया के सबसे सुखी लोग हैं, क्योंकि तीनों ही कुंवारे हैं। तीन कुंवारे आज हमारे बीच में बैठे हैं जिनका शादी से कोई दूर दूर का नाता नहीं है। इनमें से दो की हो नहीं रही, एक ने की नहीं है, इनको देख के लग भी नहीं रहा कि इनके होने के कोई चांस है। इनकी हालत देखो, इधर आओ तुम भी इधर आओ। अब जरा अपने दिमाग में आप थोड़ा एक कंप्यूटर ऐप डालो और कल्पना करो दोनों सेहरे में कैसे दिखेंगे ये। एक जिस घोड़ी पे बैठ गया वो घोड़ी दुनिया में दूसरा दूल्हा उठा नहीं पाएगी, और एक अगर घोड़ी पे बैठा तो घोड़ी कहेगी कि हम गधे नहीं बिठाते हैं। लेकिन बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, हर घोड़ी ये सोचती है कि ये गधा आखिर शादी क्यों कर रहा है, लेकिन करनी पड़ती है। ये वो दो कुंवारे जो अखंड कुंवारे, राज बनारसी है जो बनारस से हमारे बीच में आते हैं, ये उत्कर्ष उत्तम है जो राय बरेली से हमारे बीच में आते हैं। दोनों का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, आइए उत्कर्ष उत्तम और राज बनारसी। और इन दोनों के बीच में खूबसूरत युवती बैठी है जो नीमच जिले में मध्य प्रदेश में लासूर नाम का एक कस्बा है, वहां से आती है दीपशिखा रावल, इनका नाम है।
हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं राज बनारसी उत्कर्षतम और दीपिका रावल का। और आइए सबसे पहले बुलाते हैं राज बनारसी को, जोरदार ताली। सबसे पहले मैं शैलेश सर को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे वाह भाई वाह के मंच पर अपनी कविता पढ़ने का मौका दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कुमारे हो। देखो कोई रिश्ता विश्ता आ जाए तो। हो सकता है सर आपकी बात सही हो जाए, मैं तो अभी से प्रयास में लगा था लेकिन बाद में पता चला दीपशिखा जी वकील है। बहुत अच्छे। मिलने चला था जिससे जुल्फे सवार कर, मिलने चला था जिससे जुल्फे सवार कर, फेस पैक लगाया था नींबू को गार कर। मिलने चला था जिससे जुल्फे सवार कर, फेस पैक लगाया था नींबू को गार कर, उसके लिए दुल्हा बन मैं हो गया तैयार, वो आई नहीं मुझको मिसकाल मार कर। मैं भीड़ में वहां जिसे ढूंढ रहा था उसने किया इशारा चप्पल उतार। बहुत बढ़िया। हम बनारसी लोग बीच का रास्ता निकाल ही लेते हैं दीपशिखा जी। नई प्रेमिका छोड़ गई जब तब दुख का आभास हुआ। वाह। नई प्रेमिका छोड़ गई जब तब दुख का आभास हुआ, पिताजी बोले लगता मेरे कुल का सत्यानाश हुआ, जब कॉलेज से बाहर निकलने की नौबत मेरी आई, मास्टरनी को बाइक से घुमा घुमा कर पास। अरे ये वाह, क्या आइडिया निकाला है। वाह। प्यार में वादा किया हूँ तोड़ भी दूंगा कभी। अच्छा। प्यार में वादा किया हूँ तोड़ भी दूंगा कभी, प्यार करके देख लो दिल जोड़ भी दूंगा कभी, सिर पकड़ के किस लिए चिल्ला रहे हो जोर से, मूड जो बिगड़ो तो सर को फोड़ भी दूंगा कभी। धमकी। अपना वजन देख पहले, 24 किलो का हो नहीं रहा सर। पावर हमारे शरीर में नहीं, हमारे प्यार। आए हाय। मेहनत करके मजदूरी भी मिलती नहीं तिहाड़ी में, मेहनत करके मजदूरी भी मिलती नहीं तिहाड़ी में, प्यार करती रहती है वो मुझको बुला के झाड़ी। कुवारा होने का मतलब बेताब होना नहीं है। क्या पहली लाइन वापस दो बोल। मेहनत करके मजदूरी भी मिलती नहीं तिहाड़ी में, सर मजदूरी भी नहीं मिलती। हाँ तू बोल। मेहनत करके मजदूरी भी मिलती नहीं तिहाड़ी में, प्यार करती रहती है वो मुझको बुला के झाड़ी में। ऐसी बात है बंद कर दे, ऐसी बातें बंद कर दे, जीवन की इस गाड़ी में जो बोलेगा ऐसे तो मारेगी चप्पल, चाहे जींस में हो या साड़ी में। अरे डर मत, वहां बैठा हुआ था ना, अब डर रहा है कि मारेगी दीपशिखा पकड़ के। सर अब तो डर लग रहा है कि कहीं एकाक केस हमारे बनारस पहुंचते पहुंचते ना हो जाए। बेटा हो भी सकता है, थोड़ा सेफ डिस्टेंस ही रखना तू, है ना। आइए अब बढ़ते आगे और उस दूसरे कुवारे से मिलते जाए, बरेली से हमारे बीच में है उत्कर्ष उत्तम, जोरदार तालियों से। कुंवारे कुंवारी की बात हो रही है, चार चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मैंने भी कोशिश की है। अच्छा। होता क्या परिणाम देखिएगा। सुनाओ। कि कुछ ऐसा हो कि तुम हमारे पास हो जाओ, कुछ ऐसा हो कि तुम हमारे पास हो जाओ, कब तक रहो कि तुम पराई खास हो जाओ, घर जाके मैं तेरे तेरी मम्मी से बोल दू, घर जाके मैं तेरे तेरी मम्मी से बोल दू, माता जी
मुझे भरपूर मगर मैं चाहत तो है उससे मुझे भरपूर मगर मैं ओह छोटे चाहत तो है उससे मुझे भरपूर मगर मैं क्या करवा लिया हाँ हाँ चाहत तो है मगर है डर जमाने का उसे हाथों में नाम लिखती है मिटा भी देती है और पहले तो हुस्न जाल में फंसाती हमें फिर लड़कों को अपने भाई से पिटा भी देती है कॉन्फिडेंस इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं तेरे बाप से कन्यादान करा दूं छोटा साला बना दूं सास बना दूं तो क्या कोई संवैधानिक प्रतिबंध है और उसके बाद कॉन्फिडेंस देखो पतली कमरिया मेरी हाय अगर राज की कमरिया है सुन ले तो बेचारी शर्मिंदगी से मर जाए लेकिन किसी की शारीरिक संरचना को मजाक का कारण कभी नहीं बनाना चाहिए ठीक है हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं परिवार की बात है मजाक कर रहे हैं अंग्रेज में से बॉडी शेमिंग कहा जाता है वो नहीं हो तो बेहतर है हम लोगों को उनके कद से याद करते हैं हम लोगों को उनके वजन से याद करते हैं हम लोगों को उनके रंग से याद करते हैं लोगों को ना कद से याद कीजिए ना वजन से याद कीजिए मुझे एक पंक्ति याद आ गई मेरी लोगों को ना कद से याद कीजिए ना वजन से याद कीजिए ना कलर से याद कीजिए लोगों को याद करना है तो उनके हुनर से याद कीजिए और जो हुनर होता है ना ये बड़ा कमाल का होता है और आइए बारी है अब इन तीन जो अविवाहित लोग बैठे हुए हैं तीन कुंवारे उनमें से दीपशिखा रावल की जो नीमच जिला है मध्य प्रदेश में और उसका एक कस्बा है लासूर जहाँ 800-900 हज़ार पता नहीं कितनी छोटा सा कस्बा है गांव है वहाँ की उस आबादी से निकल के आती है और पढ़ती है और मुझे वो एरिया वो क्षेत्र भारत का मुझे मेरे बचपन की कुछ यादें लिए हुए हैं चित्तौड़गढ़ जिला जो है राजस्थान का सीमावर्ती इलाका उसके पास होता है नीमच और चित्तौड़गढ़ जिले में कस्बा है निम्बाहेड़ा जहाँ मैंने मेरे बचपन में 5वीं 6ठी क्लास पढ़ी थी तो वो जो सीमावर्ती इलाका है वो मेरे लिए बड़ा बहुत सारी यादों को समेटे हुए हैं तो जब दीपशिखा आज यहाँ पढ़ने आई और उसने अपने कस्बे का नाम बताया तो मुझे लगा कि मेरे बचपन की खुशबू कहीं से लौट आई है मैं चाहता हूँ दीपशिखा रावल आए और यहाँ पर अपनी कविता के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम आदरणीय शैलेश सर को प्रणाम करती हूँ शिमारू टीवी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अभी जैसे कि मेरे दोनों भाई अपनी अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से प्रकट कर रहे थे दीपशिखा जी आप केस कर सकती हैं आप वकील हैं लेकिन भाई मत बोलिए जेल में रहने को भी तैयार है ये दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है सब कुछ टूट जाता है भाई बहन का रिश्ता नहीं ये बात तो सही है ये बात मैं 20 किलो का हूँ तो मेरा शरीर कमजोर नहीं मेरे प्यार में बहुत ताकत है और भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है लेकिन मैं बहुत सम्मान करता हूँ नारियों का सच कहो तो लेकिन कुवारापन भी ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं होता देख ले कुछ सीरियसली मत ले भाई कह दिया कुछ नहीं थोड़ी देर पहले बेटा भी कहा था कोई दिक्कत नहीं तू सुन वो क्या कह रही है वो ध्यान से सुन फिर तुझे समझ में आएगा वो क्यों कह रही है नारी के लिए भारत में एक बहुत अच्छी उपमा दी जाती है नारी हो तो सीता जैसी आइए नारी का जीवन बताती हूँ प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाओ विजय का दूजा नाम बनो
प्रत्यन जापर बाण चढ़ाओ, विजय का दूजा नाम बनो, सम्मुख है कितने ही रावण, हे सीता अब राम बनो। वाह। प्रत्यन जापर बाण चढ़ाओ, विजय का दूजा नाम बनो, सम्मुख है कितने ही रावण, हे सीता अब राम बनो, हे सीता अब राम बनो, हे सीता अब राम बनो। एक लड़की जब ससुराल में जाती है, सुनिएगा कि सूर्य वंश के सूर्य छिपाए केकई के वरदानों ने, सूर्य वंश के सूर्य छिपाए केकई के वरदानों ने, वनवास का व्यूह रचा है कुटिल मंथरा चालों ने, षड्यंत्रों की वेणी में तुम ही पिरोई जाओगी, बादल पीड़ा के बरसे तो तुम ही भिगोई जाओगी, महावर रचे हाथों से हर वचन तुम्हें निभाना है, सप्तपदी गठबंधन वाला ऋण भी तुम्हें चुकाना है, तो अवध सिंहासन स्वयं संभालो, स्वयं अयोध्या धाम बनो, सरयू तट की धारा कहती है सीता अब राम बनो। क्या बात है। सरयू तट की धारा कहती हे सीता अब राम बनो। एक बेटी कुछ करने के लिए बाहर जाए, क्या होता है कि हर घर में लंकेश है बेटा, हर घर में लंकेश है बेटा, हरण का ही संदेश मिलेगा, राम अवतरण बंद हुआ है, लंका का परिवेश मिलेगा। क्या बात। स्वर्ण की काली नगरी में वाटिका नहीं सुरक्षित है, वन के भीतर वलकल धारे छद्म रूप में पक्षित हैं, तो लुप्त हुए हैं यहाँ जटायु, हाँ लुप्त हुए हैं यहाँ जटायु, हाथ कृपाण सजानी है, मायावी हिरणों से अपनी नजर तुम्हें बचानी है, मायावी हिरणों से अपनी नजर तुम्हें बचानी है, तो काल चक्र की गति रोक लो, हाँ काल चक्र की गति रोक लो, सतयुग पर विश्राम बनो, पांचजन्य गुंजित हो कहता हे सीता अब राम बनो। क्या बात। सरयू तट की धारा कहती हे सीता अब राम बनो, सरयू तट। वाह देशी कवा, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों स्वयं ही शांत हो गए हैं, इन्हें मालूम है कि कहीं बाण निकल आया, लेकिन जिंदगी में कि इस उम्र में आदमी प्रेम नहीं करेगा तो किस उम्र में करेगा, और होना ही चाहिए, क्यों ना हो, हर चीज की खुदा ने एक उम्र बनाई है, इस उम्र में आदमी प्यार करेगा, इस उम्र में जोश में भी रहेगा, इस उम्र में अन्याय भी स्वीकार नहीं करेगा, इस उम्र में विद्रोह का स्वर भी उठाएगा, इस उम्र में जुल्म के आगे झुकेगा नहीं, इस उम्र में काम करते हुए रुकेगा नहीं, इस उम्र में वो कभी थकेगा नहीं, इस उम्र में आगे बढ़ेगा, सूरज को मुट्ठी में कर लेगा, नदियों को खींच लेगा अपने हाथों के अंदर, रास्ते बदल देगा, हवाएं रोक देगा, दिशाएं रोक देगा। अरे अगर प्यार नहीं करेगा इस जवानी में तो उम्र बीत जाएगी नादानी में। ये उम्र जो है वो मोहब्बत की भी है और शोलों की भी है। एक हाथ में अगर मशाल रखो तो दूसरे हाथ में गुलाब भी रखो, होठों पे अगर नारा रखो तो इश्क का जवाब भी रखो, शराब और नशा रखो न रखो, एक आंख में शोला हो तो दूजे में शबाब भी रखो। ये इसलिए उम्र के इस दौर में तुम तीनों अविवाहित हो, मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ, तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और ये उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, वाह भाई वाह में जो भी परिश्रम करता है, अपनी कविताएं लिखता है, भेजता है, कोई सिफारिश ना तो मैं सुनता हूँ ना मैं सुन सकता हूँ, जो भी आता है मुझे पता होता है कि वो क्या लिखता है तब वो यहाँ पहुँचता है। दुनिया का कोई व्यक्ति किसी को कह दे हाँ मैं शैलेश सर से बात कर ली है, मैं किसी से बात ही नहीं करता। कुल मिला के बात ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप ज़रूर यहाँ आएंगे। ज़िंदगी सिफारिशों से नहीं चलती, मेहनत और परिश्रम से चलती है, और ये मेहनत और परिश्रम ही हमें मिलकर करना है। पर आज इन तीन कुंवारों ने कमाल कर दिया, तीन कुंवारे उत्कर्ष उत्तम राय बरेली से, राज बनारसी बनारस से, और नीमत से दीपशिखा रावल, तीनों ने अद्भुत काल का पढ़ा और कमाल ही कर दिया। जितनी मोहब्बत इन्होंने दी उतनी मोहब्बत आपने लौटाई भी, और इन सबको प्रसन्न कर दिया और सारे देश को भी खुश कर दिया कि भाई ये जो नई पीढ़ी है ये मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है। हमारी भाषा वो नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी, ज़माने के साथ सब कुछ बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, वस्त्र बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, तो कविता लिखने का अंदाज भी बदल जाता है। लेकिन मुझे इस पीढ़ी पर भरोसा है कि आगे बढ़ेगी। आज इन दोनों के साथ जो हुआ का तो मैं क्या कहूँ भाई।